थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है वाई इक्वल टू में ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस का 2x। दो से अच्छे सर हैं, दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या होगा वाई डैश इक्वल टू में इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, ए कॉन्सेंट है ई टू द पावर 3x, ई टू द पावर 3x या 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ b कॉन्सेंट है e टू द पावर माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस टू एक्स ही, और माइनस टू एक्स का माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका y डैश इक्वल टू में 3a e टू द पावर 3x माइनस का 2b e टू द पावर माइनस 2x। चलिए इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें दो सौ एक्स अचर दिख रहा है ना। y डबल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये 3a कांस्टेंट है और e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x और 3x का 3 आ जाएगा इनटू में, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर माइनस टू बी कांस्टेंट है और e टू द पावर माइनस टू एक्स का e टू द पावर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स का माइनस का 2 हो जाएगा इनटू में, समझे ना। चलिए देखते हैं इसे आगे अब सॉल्व करके क्या होता है, आगे देखते हैं अब इसमें क्या होगा। तो यहाँ y डबल डैश इक्वल टू में 9a e टू द पावर 3x, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। अब देखो यहाँ से मैं ये सुरक्षा अचर हटाने होंगे ना यहाँ से a और b को, तो चलिए मैं क्या करता हूँ y डबल डैश इक्वल टू में देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे मैं से 3a e टू द पावर 3x लेता हूँ अलग और फिर माइनस का 2b e टू द पावर 2x लिखता हूँ, माइनस का 2b e टू द पावर माइनस 2x। अब देखिए मुझे मेरा तो यहाँ ये था ना, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ 6a e टू द पावर 3x और प्लस का 6b e टू द पावर माइनस का 2x। देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 9a e टू द पावर 3x हो जाएगा, यहाँ पे ये घटेगा तो ये आ जाएगा। तो मैंने इसी को तोड़ के ऐसे लिख दिया, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, देखिए क्यों कर रहा हूँ, मुझे स्वेक्स अचर को गायब करना ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये किसका वैल्यू है, यह वाई डैश का वैल्यू दिख रहा है, तो इसको हटा के मैं वाई डैश लिख दूंगा और प्लस है, इन दोनों में से आप 6 कॉमन कर सकते हो ना, 6 कॉमन करते ही ए ई टू द पावर 3x प्लस का बी ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो यह किसका वैल्यू है, यह जो है आपके क्वेश्चन में जो दिया था y का वैल्यू है। तो यहाँ y डबल डैश इक्वल टू में y डैश प्लस 6y, इसके जगह पर मैंने y लिख दिया। अब इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस का y डैश माइनस का 6y इक्वल टू में 0, समझ गए। ये आपका अवकल समीकरण आ गया और इसमें से सुरक्षा चर भी गायब हो गए। चलिए अगला